गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत कल हमने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरीके से अलग अलग जगहों पर परिवर्तन होती है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा हम बिंदु ले सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो इसको इसमें जो परिवर्तन होती है वो दो प्रकार के हो सकती है। एक तो होती है पृथ्वी की आकार के कारण, पृथ्वी की आकार के कारण, और दूसरी होती है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। पहले कारण में हम लेके चलते हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन कैसे होती है। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोल न होकर के ध्रुवों पर चपटी होती है, ये है उत्तरी ध्रुव और इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया विषुवत रेखा। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्रमशः बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि सतह पर यदि हम गुरुत्वीय त्वरण का मान देखें तो जी इक्वल टू जी एम अपान आर का स्क्वायर होती है। हम जानते हैं इस सूत्र में कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक और पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों का मान आपस में क्या रहती है, नियत रहती है, निश्चित रहती है। इस कारण इस समीकरण को हम लिख सकते हैं जी समानुपाती वन अपान आर का वर्ग। अर्थात यदि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगी, और यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विषुवत रेखा में त्रिज्या जो है बढ़ रही है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। विषुवत रेखा में त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम विषुवत रेखा में त्रिज्या बढ़ रही है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि हम ऊपर की ओर चलें, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलें, तो यहाँ पर ध्रुव में चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, इस कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी की आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है यहाँ पर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पृथ्वी का जो परिक्रमा होती है सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी अपनी कक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, और इसका जो परिक्रमण काल है वो 24 घंटा होता है, जिसके कारण भी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के मान प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय त्वरण के मान को अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियों में देखा कि यदि हम ऊंचाई के साथ चलते हैं तो जी के मान कमी होती है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जाएं तो भी जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होती है, पृथ्वी की केंद्र पर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाती है, और विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण के मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है।
गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र इसकी परिभाषा देखें तो किसी पिंड के चारों ओर जहां पर या जहां तक अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम कहते हैं, उस पिंड के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगी। यदि इस क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई भी पिंड रखें तो वह पिंड इस पिंड पर क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा यहीं से स्पष्ट होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर किसी अन्य पिंड को रखने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करती है, इस कारण उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यह है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान का पिंड जितना बल अनुभव करता है उस बल को हम उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे एकांक द्रव्यमान की जगह में हम ले सकते हैं एम द्रव्यमान का एक पिंड, गुरुत्वीय क्षेत्र पर यदि वह एफ बल अनुभव करती है तो वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा एफ अपान एम, अर्थात एम द्रव्यमान के पिंड एफ बल अनुभव कर रही है, एफ बल उस पर आरोपित हो रही है, तो उस पिंड की तीव्रता क्या हो गई, ई इक्वल टू एफ अपान एम हो गई। यहाँ पर यदि हम इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक निकल जाएगी, मात्रक एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति किलोग्राम, एसआई सिस्टम में न्यूटन प्रति किलोग्राम क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होती है। यदि हम क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालें तो चित्र में एम द्रव्यमान का एक पिंड है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P रखी गई है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम यहाँ पर ये कल्पना करते हैं कि बिंदु P पर एकांक द्रव्यमान रखा हुआ है, तो यह एकांक द्रव्यमान का पिंड जो एम द्रव्यमान का पिंड है उस पर कितनी बल से आकर्षित होती है, तो यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लागू होती है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बल बराबर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर एम द्रव्यमान के पिंड द्वारा आरोपित बल F इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू वन अपान आर का स्क्वायर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं F इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें या गुना करें तो ये हो जाएगा जी एम अपान आर का स्क्वायर। ये जो सूत्र निकलता है वह सूत्र है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर है इसलिए हम F इक्वल टू जी एम अपान आर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं E बराबर जी एम अपान आर का स्क्वायर। जो बल अनुभव करती है वही बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर क्या हुआ, जी एम अपान आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये देखें कि क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है,
गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो पृथ्वी की केंद्र पर, पृथ्वी की केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो, तो हम लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण g बराबर जी एम अपान आर का स्क्वेयर। समीकरण नंबर एक, ये जो सूत्र निकला हुआ है वह पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसी बिंदु पर यदि हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लें तो ये हो जाती है E इक्वल टू जी एम अपान आर का स्क्वेयर। समीकरण नंबर दो, तो समीकरण एक और समीकरण दो से ये देख रहे हैं कि दोनों समीकरण के दो दायां पक्ष वह आपस में बराबर है, इसलिए इसकी बायां पक्ष भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और समीकरण दो से गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई, तो दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो ये दोनों में संबंध स्थापित होती है। इसके आगे चलते हैं, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, हम जानते हैं कि जब वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाएं, जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे लागू होती है, पृथ्वी पर लागू होती है, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसको, उस वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचने की प्रयास करती है, या पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यदि किसी वस्तु को हम गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि यदि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से, अनंत मतलब स्पेस से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र की किसी सीमा पर लाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या होती है, गुरुत्वीय विभव कहलाती है। चूंकि यहाँ पर कार्य प्राप्त हो रही है, कार्य नहीं किया जा रहा है, कार्य प्राप्त हो रही का मतलब क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के सीमा में ला रहे हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इस कारण यहाँ पर कार्य प्राप्त हो रही है, कार्य किया नहीं जा रहा है, इस कारण इसकी जो मान होगी, गुरुत्वीय विभव का मान होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो चूंकि विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगी, v बराबर क्या होगी, w अपान m, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी सीमा तक लाने में किया गया कार्य, और चूंकि यह ऋणात्मक होती इसलिए इसका मान क्या रहेगा, ऋण रहेगी, तो w = -w/m ये कहलाती है गुरुत्वीय विभव। इसमें इसका हम यदि मात्रक देखें, गुरुत्वीय विभव का मात्रक, तो SI पद्धति में ये कार्य है और ये क्या है, द्रव्यमान है, तो हम जानते हैं कि SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होती है, तो विभव का मात्रक V बराबर हो जाएगी जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि किसी भी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, ये हम सूत्र स्थापित करते हैं। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव,
चित्र में हम देख रहे हैं कि एम द्रव्यमान का एक बिंदु है या एक बिंदु द्रव्यमान है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर अपने को गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस OP जो रेखा है उसको P से P1 तक बढ़ाते हैं, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा OP1 बराबर X। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानेंगे? X मानेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु P1 पर M द्रव्यमान के पिंड के द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, चूंकि क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर हो जाएगा जी एम अपान एक्स का स्क्वेयर। चूंकि केंद्र से P1 की दूरी कितनी है? एक्स है, तो यहाँ पर R के जगह हम क्या लिखे हैं? एक्स का स्क्वेयर। तो क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जी एम अपान एक्स स्क्वेयर प्राप्त होती है। और इसकी जो दिशा है, चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो पिंड के केंद्र की ओर होगी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी वन ओ दिशा के अनुदिश, P1 दिशा के अनुदिश, क्योंकि ये सदिश राशि है और सदिश राशि होने के कारण इसको इसमें दिशा होना आवश्यक है। तो इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी जिधर पिंड जो है आकर्षित हो रही है, ठीक। अब एकांक द्रव्यमान को P से अल्प दूरी तक लाने में किया गया, P1 से अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यदि अल्प दूरी हम इसको विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू होती है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी एक्स। यदि हम इसको अल्प दूरी विस्थापित करें तो किया गया कार्य कितना होगा? डी डब्ल्यू बराबर ई गुणित डी एक्स। तो इस प्रकार हम ले सकते हैं कि यदि अनंत से किसी बिंदु को हम पी तक लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगी? तो अनंत से किसी बिंदु को पी तक लाएं तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर समाकलन इन्फिनेटिव टू R, अनंत से R तक। R तक मतलब इस बिंदु की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R है, ठीक। तो W बराबर इन्फिनेटिव टू R और ये हो जाएगा E इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे किया गया कार्य W बराबर, इसको हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं, अनंत से R तक लेंगे, E का मान यहाँ पे दिख रहा है जी एम अपान X का स्क्वायर और यहाँ रखा हुआ है डी एक्स। W बराबर जी एम, चूँकि एक नियत है, इसका मान नियत होता है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं जी एम बाहर निकल जाएगी, समाकलन इन्फिनेटिव टू आर वन अपान एक्स का स्क्वेयर डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू जी एम, और जब हम इन्फिनेटी टू R तक 1 अपान एक्स स्क्वेयर का हम समाकलन करें तो इसको और सरल करने के लिए लिखा जा सकता है इन्फिनेटी टू R x माइनस टू डी एक्स। जब हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, हर को अंश में बदलेंगे, तो यहाँ पे जो घात है वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसको समाकलन करने के लिए हमारे पास एक सूत्र आता है, समाकलन x पावर n डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर n प्लस वन अपान n माइनस वन होती है, x n प्लस वन अपान n माइनस वन होती है। तो यहाँ पर क्या रखा गया है? माइनस टू है, तो n के जगह में हम क्या रखेंगे? माइनस टू। तो क्या हो जाएगी? माइनस x पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू माइनस वन, ये प्लस होगा, एन प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू प्लस वन, माइनस टू में प्लस वन घटेगी तो क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस टू में प्लस वन है, घटेगी तो क्या हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी।
ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपान एक्स। तो यहाँ पर एक्स का घात माइनस वन है, ये नीचे आने के बाद में क्या हो जाएगी, धनात्मक घात हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हमने सरल किया तो सरल करने के बाद में किया गया कार्य कितना निकला, W इक्वल टू जी एम, और ये समाकलन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम समाकलन करने के बाद देख रहे हैं वन अपान एक्स ये ऋणात्मक आ रही है, और इसका जो लिमिट है अनंत से आर तक वो यहाँ चले जाएगा अनंत से आर तक। आगे देखिए, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लेंगे, दूसरी बार लोअर लिमिट लेंगे, तो ये जो सूत्र है वो बदल जाएगी, W इक्वल टू जी एम बाहर निकला हुआ है, और इसको हम लेंगे वन अपान आर माइनस, पहले से माइनस चिन्ह है यहाँ पर, और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस वन अपान इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर W इक्वल टू ये वाला मान जीरो हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर, जी एम माइनस वन अपान आर, या इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर। तो ये किया गया कार्य है, और हम जानते हैं कि किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, गुरुत्वीय विभव कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से हम देखते हैं, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा से V बराबर माइनस जी एम बटे आर प्राप्त होती है, और यही बिंदु द्रव्यमान के कारण किसी बिंदु जो r दूरी पर स्थित है उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान है, V इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक निकाल सकते हैं। आगे हम इसमें देखें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसके लिए सूत्र स्थापित करते हैं, ये पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान m, और ये बिंदु A है P, और इसको हम कहते हैं Q। यहाँ से केंद्र तक की, केंद्र से इस P की दूरी x हो जाएगी, और ये वाला जो दूरी है ये हो जाएगा dx, केंद्र O। यहां से यहां तक की दूरी को हम स्मॉल r मानते हैं। ठीक है, तो हम चित्र में देख रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसकी केंद्र O है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है। पृथ्वी की केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r, जिस पर क्या रखा हुआ है, बिंदु A रखा हुआ है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान उस बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि m द्रव्यमान का एक पिंड
केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर रखा गया है। तो इस तरीके से बिंदु O से या केंद्र से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा इस m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OP बराबर क्या है, OP बराबर x, OP बराबर x। तो केंद्र के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा इस बिंदु P जिस पर m द्रव्यमान के पिंड है इस पर आकर्षण बल लगाएगी, तो उस आकर्षण बल का मान कितना होगा, F इक्वल टू जी एम स्मॉल m अपान x का स्क्वायर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। इस नियम से ये वाला सूत्र निकला, F बराबर जी एम अपान x का स्क्वायर। अब यदि इस पिंड को हम अल्प दूरी dx तक विस्थापित करें, मतलब P से Q तक लाएं, तो P से Q तक लाने में कितना विस्थापन हो रहा है, dx विस्थापन हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं PQ बराबर dx, इसकी मान होगी। तो P से Q तक dx विस्थापन करने में किया गया कार्य, dx विस्थापन करने में किया गया कार्य, dw बराबर f इंटू dx, ये होगा। इस तरीके से यदि हम पिंड को अनंत से r दूरी तक लाएं, तो अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य कितनी होगी, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा W बराबर F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर इन्फिनेटिव टू R, F का मान यहाँ पे दिया गया है, इसको लिखेंगे G M M बटे X का स्क्वायर, और ये चिन्ह हो जाएगा dx। आगे इसके देखिए, W बराबर ये जो है जी एम एम, सभी का मान नियत है इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे, जी एम एम और इंटीग्रेशन या समाकलन 1 अपान x का स्क्वायर dx, और इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू r तक, या इसको हम लिखेंगे W बराबर जी एम एम, और इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू r x पावर माइनस टू डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू जी एम एम, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर भी वही आ जाएगी 1 अपान x, और ये ऋणात्मक रहेगी, और इसका जो लिमिट रहेगा वो इन्फिनिटी टू r तक हो जाएगा। पुनः W बराबर जी एम एम, और यहाँ पर एक बार एक सक जगह में r रखेंगे, फिर माइनस करके एक सक जगह में क्या रखेंगे, इन्फिनेटिव रखेंगे, तो यहाँ पर मान हो जाएगा माइनस 1 अपान r प्लस 1 अपान इन्फिनेटिव।
W इक्वल टू जी एम एम अपान आर, और ये चिन्ह है ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो इस तरीका से यदि स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के सीमा में लाएं जो केंद्र से आर दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा, जी एम स्मॉल एम अपान आर होगी। ठीक, चूँकि किया गया कार्य ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस जी एम एम बटे आर, और ये सूत्र कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल के समीप किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी तल के समीप किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी निकलती है, यहाँ पर निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पर एम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर, सतह से एच ऊंचाई पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा गया है, तो इस पिंड की केंद्र से जो दूरी होगी वो होगा R प्लस एच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि M द्रव्यमान के पिंड को R1 से R दूरी तक विस्थापित करें, तो R1 से R दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को हम डेल U से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल U बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात यहाँ पे सूत्र दिख रहा है U बराबर माइनस जी एम एम अपान आर है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इसको यदि हम R1 से R दूरी तक क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, लिख सकते हैं इसको माइनस जी एम एम अपान R2 माइनस जी एम एम अपान R1, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, तो इसको लिखेंगे डेल U बराबर माइनस जी एम एम अपान R2, माइनस और माइनस ये प्लस, और जी एम एम अपान आर वन, दोनों में ये बराबर दिख रही है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बराबर जी एम एम, उभयनिष्ठ निकाल लिए और ये धनात्मक है इसलिए इसको पहले लिख देंगे वन अपान आर वन, और ये ऋणात्मक है इसलिए ये हो जाएगा माइनस वन अपान आर टू। तो इस तरीके से आर वन से आर दूरी तक विस्थापित करने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, डेल यू बराबर जी एम एम वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू प्राप्त होती है। ये है समीकरण नंबर एक। अब पृथ्वी का द्रव्यमान को हम एम माने हैं, उसकी त्रिज्या को आर माने हैं, सतह से एच ऊंचाई पर एक स्मॉल द्रव्यमान की पिंड है, तो केंद्र से इस पिंड की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। इस स्थिति में यदि हम आर वन को
यदि आर वन बराबर पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं तो यहाँ पर आर टू बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, आर वन से आर टू तक हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं। तो आर वन बराबर पृथ्वी की त्रिज्या और आर टू बराबर क्या हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगा। इस मान को हम यदि समीकरण एक में रखें तो समीकरण एक में रखने पर डेल यू बराबर जी एम एम और ये निकल जाएगा वन अपान आर वन के जगह में रखेंगे वन अपान आर माइनस वन अपान आर प्लस एच। डेल यू बराबर जी एम स्मॉल एम और इसको यदि हम सरल करें वन अपान आर माइनस वन अपान आर प्लस एच को यदि हम सरल करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस आर अपान आर प्लस एच, वन माइनस आर अपान आर प्लस एच प्राप्त होती है। ठीक है, इसके यदि आगे यदि हम और इसको सरल करना चाहें, ये इसको सरल करें तो यहाँ पर बाहर r कॉमन निकलती है तो 1 माइनस आर अपन आर प्लस एच होगी, या इसको हम लिख सकते हैं डेल u इक्वल टू जी एम एम अपन r और ये जो यहाँ पर 1 माइनस r अपान आर प्लस एच है इसको हम आगे और सरल करें तो वन माइनस वन अपान वन माइनस वन अपान वन प्लस एच अपान आर। ठीक, ये जो वैल्यू है इसका मान कितना हो जाएगा, वन प्लस एच अपान आर के बराबर प्राप्त होगी। ठीक, फिर इसको आगे देख लीजिए फिर सरल करके, डेल यू बराबर जी एम एम अपान आर और यहाँ पर जो दिख रही है इस सूत्र को यदि हम सरल करते हैं तो इसको लिखेंगे वन माइनस वन प्लस एच अपान आर का घात माइनस वन, या डेल यू बराबर ये हो जाएगा जी एम एम अपान आर और द्विपद प्रमेय के अनुसार यदि हम इसको प्रसारित करते हैं तो इसका मान हो जाएगी वन माइनस ये हो जाएगा वन माइनस एच अपान आर, वन माइनस ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एच अपान आर, ये जो निकला हुआ है माइनस वन की घात को यहाँ पर रख करके जब प्रसारित किया गया जिसको हम कहते हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय के अनुसार प्रसारित करते हैं तो इसका मान इतनी प्राप्त होती है। ये हो जाएगी डेल यू बराबर जी एम एम, ये अंदर चले जाएगा, ये 1 माइनस एच अपान आर है तो आर से आर का गुना होगा तो ये बचेगा कितना, आर स्क्वायर के बराबर। समीकरण नंबर दो, डेल यू बराबर जी एम एम अपान आर का स्क्वायर और ये एच है तो यहाँ पर एच भी लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होती है उसका मान होता है स्मॉल जी बराबर जी एम अपान आर का स्क्वायर प्राप्त होती है। समीकरण नंबर तीन, समीकरण तीन में तीन से यदि हम जी के मान को यहाँ पे मान रखना चाहें जी एम अपान आर स्क्वायर के जगह में यदि हम जी रखें तो लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण दो और समीकरण तीन से
डेल यू बराबर, डेल यू बराबर जी एम अपान आर स्क्वेयर, जी एम अपान आर स्क्वेयर क्या दिख रहा है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, स्मॉल जी और ये हो जाएगा एम जी एच। ठीक, तो ये जो सूत्र निकलती है वही है पृथ्वी पर स्थित किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक डेल यू बराबर एम जी एच या जी एम एच, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, और स्थितिज ऊर्जा को हम ये जो संकेत है डेल यू उससे प्रदर्शित कर रहे हैं, या इसको हम लिखेंगे डेल यू बराबर एम जी एच, ये सूत्र है। आगे देखिए इसमें कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का औसत घनत्व को बिना परिवर्तित किए या पृथ्वी की औसत घनत्व को स्थिर रखते हुए इसके व्यास को, जो वर्तमान व्यास है उसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, या उसके वर्तमान व्यास को हम दुगुना कर देते हैं। दो प्रकार के प्रश्न हैं इसमें, एक आधा भी कर सकते हैं और दुगुना भी कर सकते हैं। तो यदि व्यास को, वर्तमान व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। प्रश्न एक बार समझ में लीजिए और दोबारा, कि पृथ्वी का औसत घनत्व को बिना परिवर्तित किए उसका व्यास वर्तमान व्यास का दुगुना हो तो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं जी बराबर जी एम अपान आर का स्क्वेयर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतनी होती है। ये भी हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होती है आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर, चूंकि पृथ्वी एक गोला है और गोले के द्रव्यमान को हम लिखते हैं 4/3, गोले के आयतन को हम लिखेंगे 4/3 पाई r का घात 3, और घनत्व के लिए हम लिख सकते हैं d। इस मान को यदि हम यहाँ पर रखें समीकरण एक में, तो जो g का मान हो जाएगा समीकरण एक में मान रखने पर, तो ये जो मान है वो हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण g बराबर g, और m के जगह में रखेंगे 4/3 पाई r का घात 3 इंटू डी, और नीचे रखा है r का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर का घात 3 में से दो आर कैंसिल हो गया तो बचा कितना, केवल आर। तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आया 4/3 पाई आर जी डी, 4/3 पाई आर जी डी, ये प्राप्त होती है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब यदि त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो त्रिज्या आर से आर डैश हो जाती है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होगी। इस स्थिति में जी डैश बराबर लिख सकते हैं 4/3 पाई आर डैश, और ये हो जाएगा जी डी, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। समीकरण तीन में समीकरण दो का भाग करने पर समीकरण
तीन में समीकरण दो का भाग, तो ये हो जाएगा g डेस अपान g बराबर 4 बाई 3 पाई r डेस g d बटे, ये भी हो जाएगा 4 बाई 3 पाई r g d, ये कैंसिल और ये g d से g d कैंसिल, बचा कितना r डेस बटे r। g डेस बटे g बराबर r डेस बटे r, ये प्राप्त होती है। और चूंकि त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, दुगुनी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो r डेस बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, चूंकि r डेस बराबर 2r, तो यहाँ पर ये समीकरण को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, g डेस अपान g बराबर r डेस का मान हो जाएगा 2r बटे r, r से r कैंसिल, तो g डेस बटे g बराबर हो गया 2/1, ठीक है। तो जो वर्तमान में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, g डेस बराबर 2g, वर्तमान जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका कितने गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो इस तरीका से हम प्रश्न सरल कर सकते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा अध्ययन का जो मुख्य जो बिंदु था कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या व्यंजक निकला, जी के मान में पृथ्वी के आकार या उसकी दैनिक गति के कारण किस तरीके से परिवर्तन आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया। थैंक यू।